मैं बेटा जो मेहनत कर रहा जो है इसके बाइक के अंजर पंजर सारे खत्म हो चुके हैं। इसके अंदर भी तो होता है भाई, से सारा ठीक करो। कोई भी नहीं, जैसे आदमी को होता ना सुनना कहीं गाड़ी नहीं होता है मुंह तो तुम्हें जैसा वाला बताने की लौट गया बता अभी तुझे मैं कोई लड़ाई सब नहीं गई लोड लाइक टाइम तक सोवा दस के। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, माय नेम इज कमल कुमार दीवान और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज जो सीन है, आज हम उठे हैं थोड़ी देर पहले, आज हम थोड़ा जल्दी उठ गए, आज हम उठे हैं 9 बजे और ये हमारी मम्मी सामने जो है हमें उठाना आई है क्योंकि आज जो है हम बहुत जल्दी उठ गए। तो गाइस आज का जो सीन है, आज हमारी मम्मी जो है हमें उठाने आ चुकी है, अभी ये यहाँ पर खड़ी है। तो आज हमें जो अपनी बाइक की सर्विस कराना है क्योंकि जो है 3600 किलोमीटर चल गई है अब जा। तो बस जो है सबसे पहले तो हम आपको बोलते हैं सबको गुड मॉर्निंग कि ऐसा सर गुड मॉर्निंग जो है लेट हो रही है बहुत ज़्यादा क्योंकि सब अपने ड्यूटी से जाते हैं। हम मम्मी गए जब यहाँ ठल्ली पड़े आराम से, डैडी भी चले गए, भाई भी चले गए उस शॉप पे। तो हमें जो है आज सर्विस कराने थी बाइक, सबसे पहला काम तो हमारा बाइक की सर्विस, क्योंकि 3600 किलोमीटर से भी ऊपर चल चुकी है बाइक, अगर सर्विस ना हुई तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले हम जो है नहाते हैं और नहाने के बाद ठंड में नहाने का मन नहीं करता बिल्कुल भी कि इतनी ठंड, मतलब ठंड तो हो नहीं रही है, ठंड बहुत हो रही है और कोहरा तो नहीं, कोहरा तो बाईपास में मिलता रहता है, शहरों में नहीं मिलता। शहरों में तो जो है एक आधा दिन आ गया तो आ गया वरना नहीं आता। तो अभी हम जो है उठ के पहले नहा लेते हैं, नहाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। ना मम्मी हमारी जो है आज भी मैं तोड़े ही गिर के, तो अभी हम जो है नहा दो के रेडी होकर बिल्कुल हम लोग कल वाले टी शर्ट पहन लेती। तो अभी जो है मम्मी हमारे लिए बना रही है रोटी, बना दी क्या जो है अभी आप देख सकते हैं। यार हमारी तो इज्जत ही नहीं, 2 दिन इज्जत थी अभी जो है मम्मी यहाँ खाना ना उसके मन में बाकी सर्विस भी करवा देना है, पता नहीं आज हो पाएगी नहीं क्योंकि ठंड है भाई साहब, पर बाइक की सर्विस जरूरी है क्योंकि 4000 किलोमीटर 3600 किलोमीटर हमने चला चुके अब तक। अगर सर्विस ना हुई तो फिर प्रॉब्लम आती है, फिर तेल ज़्यादा खाती है, ऑयल ज़्यादा खाती है, फिर ब्रेक खराब, कुछ सर्विस टाइम पर कराना चाहिए। गाड़ी अभी नहीं आने, बाद में ले रही गाड़ी, पहले ज़्यादा कंप्लीट करनी है पढ़ाई अपनी। तो मम्मी जो है हमारी खाना बना रही है हमारे लिए, तो अभी जो है गाड़ी में चले गए हैं। तो बस अब जो है पहले क्या बना रही जो बंदा 5 बजे उठ के अपनी ड्यूटी पे आता था मेरठ में, आज वो 10:30 बजे उठा। 2 दिन हो गए वैसे, आज सेकंड डे है मेरा क्योंकि रिलैक्स हो गया था। धूप सुबह का टाइम तो कोहरा बहुत हो गया था, बाइक चलाई थी। अब जब तो डैडी दोस्तों बस प्यार 2 दिन की है, बाद में तो अपना वही है, पता ही आप लोगों सबको घर में क्या होता है। बात सही सबकी बात, तो जो है पहले नाश्ता कर लेते। तो भाई मैं जो है अपने घर के बर्तन मांग चुका हूँ क्योंकि काम करते भाई साहब मैं आज भी करूँ। जो बंदा जॉब कर रहा ना बाहर, घर पे आना 2 घंटे तुम्हारी खाटेदारी होगी, उसके बाद तुम्हें जो है काम बता देंगे, अपना चादर झाड़ू बच्चा अनाज सब चीज लेकर आनी है। मेरे बेटा जो मेहनत कर रहा हाँ बुरा खा देगा सबरे, मेरे कल को मेरे बेटे का जन्मदिन है 12 तारीख को मेरे बेटे का। तो गाइस अभी हमने एक गड़बड़ कर दी, अभी हमने जो है अपनी गैस में टोटली पानी भर दिया है इसमें, अब इसे हम जो है ऐसे ऐसे करके साफ करेंगे। अगर किसी की गैस में पानी भर गया तो ऐसे करके कर लेना क्योंकि इससे हो जाएगा, चाय बन जाएगी। चाय पीने का, चाय पी के हमें करवानी सर्विस बाइक की क्योंकि भाई साहब अभी हमें जो है बाहर जाना बहुत ज़्यादा, तो बाहर जाने की चाहिए बाइक और पेट्रोल खत्म। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कुछ डैडी से मांगनी पड़ेगी पैसे, अब देखते हैं इसमें अगर 1500-2000 की सर्विस तो होगी एजेंसी में क्योंकि उससे ज़्यादा कुछ होगा क्योंकि यार अब इतनी चल गई है बाइक, अब देखते हैं चलती है। हमने चला दिया तो वह जो है पहले मम्मी चाय बना लेती है, चाय बना के फिर आप। तो भाई अभी हमने जो है चाय पी ली थी,
तो अब हम चल रहे हैं बाइक की सर्विस करवाने, क्योंकि जो बाइक है चल चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी कितनी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी किन चल चुकी है बाइक। तो 31,708 किलोमीटर बाइक चल चुकी है, बट इतनी चलनी चाहिए क्योंकि इससे सर्विस जो हुई थी 27,000 पर हुई थी, अब जो 1,000 ऊपर चल चुकी है। अगर सर्विस ना हुई तो एक तो पेट्रोल ज़्यादा खाएगी, और अगर ये रात को मैं सफ़र कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम करेगा। तो अभी जो है चलते हैं जिनसे भी सीधा डायरेक्ट इसकी सर्विस कराना, और सर्विस में देखते हैं कितने पैसे लगते हैं। तो अभी मम्मी से हम पैसे लेते हैं और चलते हैं सर्विस कराना, और चलते हैं। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कितनी भीड़ है। अभी पता नहीं हमारी सर्विस बाइक की हो पाएगी नहीं हो पाएगी, तो अभी हम जो है दिखाते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ है जिनसे यहाँ पर। तो गाइस अभी जो है बाइक का पूरा नाश हो चुका है, बाइक में जो है मोबाइल बिल्कुल नहीं निकला, और इसका क्लच प्ले काफ़ी प्रॉब्लम करेगा। बाइक इतनी सीव हो जाएगी, मतलब इंजन सीव हो चुका है, और अगर जो है काफ़ी नुकसान हो चुका है बाइक में लेट जाने में। तो अभी जो है उसका क्लच है ठीक, क्योंकि अगर ठीक नहीं हो बाइक तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी जो है क्लच है बाइक को ये भी खोल लोगे साइलेंसर, क्लच खुलेगा इधर से, क्लच के अंदर भी तो होता है। करवा भाई से सारा ठीक करवा, गाड़ी में तो अच्छा होता। बाइक सारी खुलने लग रही है हमारी, अब ख़त्म मामला, इसका तो बेचारी का कर दिया हमने नाश। बच जाएगी भाई, नहीं बचनेगी तो यार, एक जो है सारी ख़राब, पूरी सील साल और क्या है। तो भाई जो है मैं सारी बाइक का नाश कर चुका हूँ आपकी, डेली मेरठ से मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से मेरठ, बाइक इतनी जल्दी सील कैसे हो सकती है। तो भाई बाइक की अंदर के अंजर पंजर सारे फिलहाल के हमने अपना उड़ा दिए पक्के, उसके आज तो उसकी ऑपरेशन चल रहा बढ़िया वाला, भैया कर रहे हैं हमारा ऑपरेशन, इसका अंदर का इसका दिल है, उसका दिल है इसका जो है अंदर का दिल है, जो ऐसा भी चल्लू करना चाह रहे हैं फेफड़े, दिल तो इसका ये सर जो उसका दिल है जो उसके फेफड़े है, जो है इसके बाइक के अंजर पंजर सारे ख़त्म हो चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये रहे इसके बाइक के, क्योंकि इसकी जो हमने मेरठ का और मुजफ्फरनगर रूट किया ना, उससे बाइक के क्लच प्लेट चैन सेट सब डाउन हो चुका, क्योंकि इसकी सर्विस हुई थी 27,000 पर हुई थी, वह चल चुकी है 31,000 किलोमीटर। तो अभी हमें जो लगता नहीं है कि ये बाइक में जो है मोटा खर्चा आ चुका, कोई बात नहीं, पर यह ठीक हो जाएगा। उसमें जो मोबाइल हेल्थ निकला है ना, वो एक लीटर से भी बहुत कम निकला है, अगर ये ना होते ना तो प्रॉब्लम है। तो अभी जो है इसका देखते हैं कहाँ तक कर सकता है काम। कंजा पुने सारे खोल दिए भाई, हैं क्या भैया, ये तो खुले इसका तुमने तो ऐसा खोल दिया, आदमी के हाथ पैर ने खोल देते। बसंत थे इधर लंका लग गई तो इधर लगा दिया मैंने अब सीट पर, तो क्या सिस्टम खोल ले गए अब भाई, वेंटिलेटर तो होगा दादा भाई, वेंटिलेटर तो होगा इसका, वेंटिलेटर जो है अभी ठीक करके दे दोगे। तो भाई ये जो है इसके पुर्जे हैं, कोई बेन है जैसे आदमी को होता ना फेफड़ों का काम, तो ऐसा ही ये ऐसी ही चीज़ें आई है। अभी जो है भैया फोन में बात कर रहे हैं हमारे, बताएगी भाई क्या चीज़ें बता पहले तो हमें क्या चीज़ें, जो क्रेन है ये क्रेन बता रहे भैया, जो गेट की सापट है ये गेट की सापट बता रहे भैया, ये गेयर है इसके, ये बैरिंग है, सारे बैरिंग पूरी मिला के लगा भाई, जो है केक जब केक मारा वो भी। तो भैया जिसे नॉलेज लेनी हो इन भैया का कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है भाई। जो है चैन सेट भी नया टल चुका है हमारा, और अभी यहाँ पे भी देखते हैं नया वो डलेगा या नहीं डलेगा, पल्ली साइड भैया काम कर रहे हैं, चैन सेट तो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे बिल्कुल ही। वैसे इतनी उम्मीद नहीं खर्च हो जाएगा बाइक में, और कि चल 500-700 में जो है सर्विस करा के काम हो जाएगा, पर भैया आज पता लगा कि किसी की सुन लो, 3,000 सर्विस होनी थी, 4,000 सर्विस थी, मैंने शायद
27 या 26,000 तो सर्विस कराई थी, 4,000 हमने पेल की से, 31,000 कुछ चीज़ें चला चुकी। और उसके बाद भाई साहब भाई ने बता दिया सारी चीज़ चेंज, लगा चेंजिंग कर दो भाई, ये बाइक चलने वाली चीज़ है, अगर ये बंद होगी ना प्रॉब्लम आएगी। तो पहले जो है बाइक की सर्विस को कम्प्लीट करते हैं, फिर हफ्ते हमें कितना कितना खर्चा होगा हमारे बाइक। तो गाइस जो है बाइक की सर्विस तो होगी थी, पर इसमें इतना लोचा आएगा या इतनी प्रॉब्लम आएगी ये मुझे पता नहीं चलता, क्योंकि इसका क्लच प्लेट चैन सेट मोबिल आयल भी इसका निकला नहीं। तो वो तो मैं आपको जो है इसकी अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी मोटा खर्चा, खर्चे की बात नहीं है, समस्या क्या है कि इतनी प्रॉब्लम बाइक में आ गई ये मुझे नहीं पता। ये हरिद्वार गुड़गांव मेरठ चक्कर काट के जंगलिया जीरी इसका बाइक का भाई साहब बहुत बड़ा आसान है कि इसने सोल्यूशन होता छो ना सर्विस करा ली, कि भैया बोल देते कि भैया अगर आप इसे सर्विस नहीं कराते तो ये सील भी हो सकता था इसका इंजन। और अब आप देख सकते हो मेरठ से अगर मैं रात को 8 बजे के बाद या 9 बजे बता रहा हूँ और ये इंजन सील हो गया इसका, तो भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। तो इसकी मैं जो अलग से बताऊँगा आपको इसमें कितना खर्चा है, या तो घर जा कर बताऊँगा मैं, फिर आपको अगले ब्लॉग में बताऊँगा कि इसमें क्या क्या खर्चा है। तो अभी आओ चलते हैं घर पर, मम्मी का फ़ोन आया था। और यार सभी भाई से थैंक यू सो मच, सभी भाई ने जो है हमें 1,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देते गूगल पे, क्योंकि मैं जो लेके आया था 2,000 रुपये लाया, मगर 2,000 में नहीं सर्विस आएगी, बट जो है खर्चा जो आया ना वो 3,259 से 3,000 के आसपास आ चुका सर्विस में, और कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी जो है घर चलते हैं। तो भाई आज हम जो है घर आ गए थे और हमने जो है अपनी सर्विस बाइक की करवा ली थी, जो है उसमें काफ़ी खर्चा हो चुका बाइक में, क्योंकि इसमें चैन सेट क्लच प्लेट और काफ़ी मोबिल आयल, तो भाई साहब 100% में से सिर्फ 3% निकला, आपने वीडियो में देख रहा होगा। बस एक छोटा सा ब्लॉग था, और इसकी भी हम जो बाइक की वीडियो है ना वो हम जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, कि देखते हैं कि इसकी वीडियो अलग सुना है, क्योंकि अपना एक्सपीरियंस शेयर करना पड़ेगा आप लोगों के साथ, क्योंकि जो गलती मैंने की है वो आप लोगों ने ना करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, फिर मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। तो आज के लिए बाय बाय।